नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम, बताइए। हाँ जी दीदी, एक अपना 22 साल का लड़का है, उनको छींका और जुकाम काफी रहता है, लेकिन ना उनको हम 4 महीने हो गए उना वाला नुस्खा देते, साथ में उनको फिर थोड़ा सा नमक जैतून भी दिया, भी चलो एलर्जी के साथ हो सकता है, लेकिन वो कहता ना मेरे को गर्मी में ज्यादा रहता है, सर्दी में ठीक हो जाता है। फिर हम उसको कुछ तो मतलब से ये तो नहीं कि गर्मी का मारा उसको होता हो जुकाम, तो उसको क्या दे। और एक और सवाल है, एक बच्चे की उम्र है 4.5 साल, उनकी ना स्किन पे जैसे फिलकरे जो होते हैं वो हो जाते हैं, उनको ना बहुत टाइम हो गया बेचारे, 2 साल हो गए दवाई दवाते हुए, इंग्लिश मेडिसिन आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एक था तो ठीक हो जाते हैं दूसरे था हो जाते हैं, फेस और हाथों पे ज्यादा होते हैं। क्या निशानात होते? निशान नहीं, फिलकरे हो जाते हैं, फिलकरे पानी के जैसे पानी के दाने छोटे छोटे। हाँ फिलकरे, फिलकरे जो होते थे जैसे छाले कह देते हैं हम, फिलकरे से छाले टाइप के। हाँ जी हाँ जी, छाले टाइप के पानी के, ठीक है, फिलकरे आप बोलते हैं ना उसको, फिलकरे। हाँ जी वो हो जाते हैं हाथों और फेस पे ज्यादा होते हैं, एक जगह ठीक हो जाते हैं दूसरी जगह हो जाते हैं। 2 साल हो गए उनको इंग्लिश मेडिसिन देते हुए, लेकिन आराम नहीं आता, 4.5 साल का वर्ष का बच्चा है जी। बच्चा 4.5 साल का जी। हाँ जी हाँ जी, छोटा बच्चा है ना मैम, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। हाँ जी हाँ जी, 2 साल हो गए मैडम, वो ना तंग हो रहे हैं इंग्लिश मेडिसिन देकर, वो पूछ रहे थे हमसे कि कोई ट्रीटमेंट है तो बता दो। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप तो खैर समझदार हैं बहुत, लेकिन उनको समझाना बहुत जरूरी है कि एक चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में मिला दें, और ये पूरा 1 लीटर पानी बच्चा 1 दिन में या 2 दिन में पी ले, बाकी जो दूध वूध पीता है वो सब पी सकता है, तो एक साथ ना तो पिएगा भी नहीं और पीना भी नहीं चाहिए, ये वो 4.5 साल के बच्चे का, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और जब भी वो पानी या शरबत मांगे तो इस पानी में शरबत बना दें, इस दूध दूध पिए तो ये पानी थोड़ा सा दूध में डाल दें, कुछ भी खाए ना तो ये पानी ज़रा सा, लेकिन 1 लीटर में डालें, 1 लीटर एक बोतल में भर एक चुटकी मिलाएं, एहतियात से दें, पूरे 24 घंटे में बस एक बोतल उसके पेट में जानी चाहिए, तो जिस तरह से भी आप इस्तेमाल करें। और क्या सवाल था? 22 साल का एक बच्चा है जिन्हें जुखाम छीके रहती हैं जी। हाँ उनको याद रखें कि उनको नुस्खा तो यही देना है, लेकिन एक चुटकी या उससे कम गौन चिलगोजा मिला कर देना है, तब उनको फ़ायदा मुमकिन है। कम से कम एक बार पूरे दिन में, जैसे 2 बार नुस्खा लेते हैं ना, तो एक एक बार एक चुटकी गौन चिलगोजा एक खुराक में मिला के दें, और एक खुराक ऐसी दे दें, गौन चिलगोजा बहुत तेज़ होता है इसलिए एक ही बार दें, तो बहुत जल्द उसको कंट्रोल होगा, लेकिन 6-7 महीने तो लग सकते हैं।